हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड सन्स किचन। और आज मैं आ गया हूँ अपनी मम्मी के साथ आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज हम बनाएंगे स्पेशल स्पाइसी तीखी तीखी तड़के वाली लौकी और चने की दाल की सब्जी। ये पंजाबी स्टाइल में सब्जी बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों को अगर लौकी पसंद ना हो तो इस तरह से बनाइए, ज़रूर खाएंगे। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है, बहुत ही मज़ा आता है ये सब्जी खाने में और जल्दी आसानी से कम सामान में बन भी जाती है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है लौकी। ये 250 ग्राम के करीब लौकी है, इसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए इस प्रकार से, ये देखिए। और साथ में मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम चने की दाल। चने की दाल को आप एक घंटे तक भिगो के रखें, उसके बाद इसे वॉश करें। अगर आपने पहले इसे वॉश कर दिया, वॉश करने के लिए आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये अच्छे से फर्मेंट नहीं होंगे, इसीलिए पहले आप इसे फर्मेंट होने दें, उसके बाद इसे वॉश करें। तो देखिए ये अच्छे से फर्मेंट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें वॉश करूंगा 2 से 3 बार, उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर गर्म कर दिया है, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई, और ये साबुत वाली लाल मिर्च है जो तड़के में यूज होती है। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और प्याज और हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और एक मीडियम साइज का प्याज, उसे भी बारीक काट के इसमें डाला है। प्याज को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी एक बार अच्छे से मिला दें और उसे भी अच्छे से पकने दें 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये 1 मीडियम साइज का टमाटर है जिसे मैंने बारीक काट के डाला है। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लौकी, लौकी को डाल के अच्छे से मिला दे और कुछ देर तक पकने दे। लौकी को डालकर लगभग 30 सेकंड हो चुके, अब हम इनमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे और मसालों को भी हम अच्छे से पकने देंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक को भी अच्छे से मिला दें। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये सब्जी, बनने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे चना दाल। ये वही चने की दाल है जिसे हमने भिगो के रखा था, उसके बाद वॉश किया था। चने की दाल को भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है, सिर्फ ये सब्जी अच्छे से पक जाए उसके लिए। मैंने इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाला है। तो अब आप कुकर को बंद कर दीजिए और 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे इंतजार कीजिए। तो देखिए कुकर में 2 सीटी आ चुकी है, प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब हम कुकर खोल के देखते हैं सब्जी कैसी बनी है। ये देखिए सब्जी बनके रेडी है, कितनी स्वादिष्ट लग रही है, बढ़िया पंजाबी स्टाइल में बनी है। और जैसा कि आपने रेसिपी में देखा कि इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही आसानी से झटपट फटाफट बन गई। तो देखिए मैंने सब्जी को एक सर्विंग बोल में निकाल दिया है। अब पंजाबी स्टाइल में हम स्पाइसी सब्जी बना रहे हैं, तो अब हम इसे ऊपर मिर्ची से गार्निश कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपके घर मेहमान आ जाए और इस तरह से आप सजाकर डाइनिंग टेबल पर रखे सर्विंग बोल, तो कितना बढ़िया लगेगा, मेहमान तो इम्प्रेस हो जाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया और स्पाइसी टेस्टी सब्जी लग रही है। हाँ बच्चों के लिए बना रहे तो स्पाइस कम भी कर सकते हैं, लेकिन
ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, हेल्दी एंड टेस्टी लौकी चने दाल की सब्जी। तो बताइए दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस प्रकार की रेसिपीज पसंद है। उसी प्रकार की रेसिपीज हम आगे भी लाएंगे आपके लिए। तो ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगा हुआ नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।